दुनिया को मार्गदर्शन प्रेरणा देने का काम अनेक महापुरुषों ने किया है, लेकिन उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विशिष्ट स्थान है। महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग, उपवास जैसे अस्त्र दिए, जिससे आज अपनी मांगों को लेकर के लोग आंदोलन करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते, हिंसा से दूर भी रहते। ऐसे में हमें याद आता है कि ख्यातनाम कवि बाल कवि बैरागी ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि विश्व को भारत की 5 देन है, पहला वेद, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा योग, चौथा अध्यात्म और 5वां गांधी जी। कितनी सटीक बात उन्होंने कही थी कि महात्मा गांधी विश्व को भारत की देन है और उनके दिखाए मार्ग पर दुनिया चल रही है। आज हर कोई हिंसा से त्रस्त है और जब कभी हिंसा होती है तो सरकार उसे हिंसा से दबा देती है। ऐसे में अगर अहिंसा का तरीका अपनाया जाता है तो सफलता है आसानी से मिल जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विश्व के शिक्षक हैं। उन्होंने विश्व को कुछ ऐसी शिक्षाएं दी जिससे प्रेरणा लेकर के आज विश्व है वो शांति की तरफ बढ़ रहा। इसी का प्रभाव है कि दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में महात्मा गांधी के प्रतिमाएं लगी हुई है, अनेक यूनिवर्सिटियों में उनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। महात्मा गांधी को लेकर के अनेक महानेताओं ने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ कहा है। तो इसका कारण भी यही है कि महात्मा गांधी दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक हैं। और जब हम देखते हैं कि जब भी कोई विदेशी बड़ा व्यक्ति भारत आता है तो दिल्ली स्थित राजघाट जरूर जाता है, महात्मा गांधी की समाधि पर निश्चित रूप से अपना शीश नवाता है, क्योंकि दुनिया को पता है, लोगों को पता है कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया को शांत रहने की, भाईचारे से रहने की, आपस में समन्वय से रहने की शिक्षा दे करके गया है।